हेलो, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम नो फॉल्ट लायबिलिटी भी बोलते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को सबसे पहले राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस बारे में बात करती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बात करिए कि भाई हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जब हम एक पर्सन को लायबल बना देते हैं, जब इंसान की तरफ से ना तो कोई नेग्लिजेंट होता, पर्सन ने किसी तरीके का कोई भी नेग्लिजेंट नहीं किया, यानी किसी तरीके की उसकी तरफ से लापरवाही नहीं है, किसी तरीके का उसका इंटेंशन नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाए, बल्कि वो पर्सन तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एफर्ट कर रहा है ताकि सामने वाले पर्सन को कोई हार्म ना पहुँचे, बट स्टिल हम पर्सन को लायबल बना देते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। तो ये क्या लॉजिक है? तो ये लॉजिक है कि भाई कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम एक पर्सन को लायबल बना सकते हैं किसी हार्म के लिए, बेशक से उसने कोई नेग्लिजेंट एक्ट ना किया हो, बेशक से उसका इंटेंशन ना हो, और बेशक से उसने क्या किया हो, पॉजिटिव एफर्ट किए हों उस हार्म को रोकने के लिए, बट स्टिल हम उसको लायबल बना देते हैं। लॉ जो है कभी कभी रिकॉग्नाइज करता है नो फॉल्ट लायबिलिटी को, नो फॉल्ट लायबिलिटी को, जहाँ पे पर्सन का फॉल्ट नहीं होता, जहाँ पे पर्सन का कोई नेग्लिजेंट एक्ट नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, बल्कि वो तो पॉजिटिव एफर्ट कर रहा है, बट फिर भी उसको लायबल बना दिया जाता है। बट ये नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ऐसा होता है। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए हमें एक केस देखने की ज़रूरत है जिसका नाम है राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। 1868 का केस है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो चलिए हम केस की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लगा लीजिए कि ये पर्सन है प्लेंटिफ और दूसरा वाला पर्सन है डिफेंडेंट। ये पर्सन है डिफेंडेंट। अब जो डिफेंडेंट है, यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, जो डिफेंडेंट है उसने अपनी प्रॉपर्टी में, इसका एक मिल था, यहाँ पर इसका एक मिल है और इस मिल के लिए इसे पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। तो अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि क्यों ना एक रिजर्वायर बनाया जाए जिसमें पानी जो है वो भर लिया जाएगा, और फिर क्या होगा कि वह मैं अप उस पानी को फिर अपने मिल के लिए इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो इस मिल, इस रिजर्वायर को बनाने के लिए इसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस जो ये रिजर्वायर बनाना था, इस रिजर्वायर में कुछ शाफ्ट्स थे, कुछ अंदर ही अंदर दरारें थीं, जिसने क्या किया, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था उसने भी नोटिस नहीं किया। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने तो बना के तैयार कर दिया, उसने कहा कि ये सर रेडी है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही डिफेंडेंट ने इसमें पानी भरा, तो इन शाफ्ट्स के ज़रिए जो प्लेंटिफ की कोयल माइंस थी, कोयले की खाने थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ दरारें ऐसी थी जिसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, प्लेंटिफ की कोयल माइंस तक पहुँच गया, कोयल माइंस में पानी भर गया और प्लेंटिफ को लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट ने तो कोई नेग्लिजेंट नहीं किया, इसका तो कोई इंटेंशन भी नहीं है रॉन्गफुल, इसको तो नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसे कोई शाफ्ट्स है और मैं पानी भरूंगा तो इसमें यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी पे चला जाएगा, इसको तो पता ही नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर्सन ने तो कुछ किया भी नहीं, ये तो किसने बनाया था, ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था। तो क्या यहाँ पे पर्सन लायबल होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो जजमेंट आई कि बेशक से यहाँ पे इसको नॉलेज नहीं थी, बेशक से इसका नेग्लिजेंट एक्ट नहीं था, इंटेंशन नहीं था, बट स्टिल डिफेंडेंट लायबल होगा। बट क्यों लायबल होगा, इसके लिए ब्लैकबर्न जस्टिस ने एक रूल दिया। चलिए पहले हम वो रूल देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन, इस रूल में ब्लैकबर्न जस्टिस ने कहा कि अगर एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी डेंजरस चीज़ लेके आता है, एक ऐसी डेंजरस चीज़ उसको कहा गया है जो अगर प्रॉपर्टी से बाहर निकलेगी तो नुकसान कर सकती है, तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में लेके आया है उस चीज़ को, वो पर्सन प्राइम ऑफ ऐसे अनसरेबल होगा डैमेजेस के लिए जो दूसरे पर्सन को पहुँच रहे हैं। फिर यहाँ पर उसका इंटेंशन है नहीं है मैटर नहीं करता, उसका एक्ट नेग्लिजेंट है या नहीं है ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है।
तो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे तालाब था, तालाब में पानी भरा जो कि नॉर्मल यूज़ नहीं था, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ था। यहाँ पे इसका बिजनेस था और ये सारा पानी शाफ्ट्स के ज़रिए इसके यहाँ पे कॉयल माइंस में पहुँच गया। इसकी ये कॉयल माइंस ही कॉयल माइंस का बिजनेस कर रहा था पर्सन। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को लॉस हुआ, ठीक है। बेशक से इंडिपेंडेंट पर्सन ने बनाया था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, बट यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये इसने क्या किया है, इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी प्रॉपर्टी में पानी इकट्ठा किया है जो कि नॉर्मल यूज़ नहीं है, ये एक नॉन नेचुरल यूज़ है लैंड का। तो इसीलिए यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो किसी फॉल्ट या नेग्लिजेंस के लिए हम पर्सन को लायबल नहीं बनाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, बल्कि हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसने क्या किया है, उसने डेंजरस चीज़ अपनी प्रॉपर्टी में रखी और फिर वो एस्केप हो गई, यहाँ से पानी गया यहाँ तक पहुँच गया, एस्केप हो गई और थर्ड पार्टी को लॉस हुआ। इस चीज़ के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए पर्सन को लायबल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लायबिलिटी है ये बिना किसी नेग्लिजेंस के लिए भी सेट करी जाती है। तो देखिए इस रूल को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इस रूल को हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहला जो असेंशियल एलिमेंट है वो है डेंजरस थिंग, कि भाई पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी डेंजरस थिंग लेके आनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉरी गैस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कोई भी फ्यूम्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, इवन वाइब्रेशंस हो सकती हैं, यानी कोई भी डेंजरस चीज़ पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी में लेके आनी है, ठीक है। डेंजरस चीज़, डेंजरस थिंग उस चीज़ को कहा गया है जो प्रॉपर्टी से बाहर निकलेगी तो किसी और को लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइम ऑफ फैसे क्या होगा, पर्सन जो है वो लायबल माना जाएगा, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए डेंजरस चीज़ होनी चाहिए प्रॉपर्टी पे। आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी ख़तरनाक चीज़ लेके आ रहे हो, ऐसी चीज़ जो किसी, अगर आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलती है तो वो लॉस पहुंचा सकती है। जैसे इस केस में क्या हुआ था, पानी भरा गया था, ठीक है, और ये पानी जब बाहर निकला तो क्या हुआ, कॉयल माइंस में घुस गया, कॉयल माइंस में गया तो प्लेंटिफ को लॉस हुआ, ठीक है। तो डेंजरस चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़ एस्केप, भाई डेंजरस तो है ये तो मान लिया, कोई भी डेंजरस चीज़ है ये तो मान लिया, बट वो चीज़ प्रॉपर्टी से बाहर भी निकलनी ज़रूरी है। जब तक उसकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल रही, डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी से अगर बाहर ही नहीं निकली और आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकल कर कोई लॉस नहीं किया, तो आप उसको लायबल नहीं बना सकते। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये ए पर्सन की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ए से बिलोंग करती है एंड ये प्रॉपर्टी बी से बिलोंग करती है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी में एक जहरीला पेड़ है, तो इसका ये हो जो हॉर्स है, ये हॉर्स इस ए की प्रॉपर्टी में जाता है और इस जहरीले पेड़ के कुछ पत्ते खा लेता है, जिसकी वजह से हॉर्स की डेथ हो जाती है, हॉर्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डेंजरस चीज़ तो है ए की प्रॉपर्टी में, पर क्या वो एस्केप होके बी की प्रॉपर्टी तक पहुँची? नहीं पहुंची। तो यहाँ पे हम ए को लायबल नहीं बना सकते, ओके। बट हमारे रीसेंट केस में क्या हुआ था, रीसेंट केस में ये हुआ था, पानी भरा, अब प्रॉपर्टी में तो ये डिफेंडेंट की में ही था, बट ये पानी जो है निकला प्रॉपर्टी से बाहर शाफ्ट्स के ज़रिए और तब कॉयल माइंस में पहुंचा, इसीलिए यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया है, ओके। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। लगाइए कि ए और बी जो है वो बिल्कुल नेबर्स हैं, उनका घर बहुत ही पास पास है, लगाइए बिल्कुल ऐसे है इनका घर, ठीक है। अब ये जो ट्री है इसकी कुछ टहनियाँ बी के घर पे घुसी हुई हैं, बी की प्रॉपर्टी में गई हुई हैं, ये प्रॉपर्टी बी से बिलोंग करती है, ये प्रॉपर्टी ए से बिलोंग करती है। अब ये ट्री जो है ये नॉर्मल ट्री नहीं है, ये एक जहरीला पेड़ है, ठीक है। अब इसका हॉर्स या इसका कोई भी कैटल वगैरह जो भी पालतू पशु है वो इस टहनियों को चबा लेता है, इसके कुछ पत्ते वगैरह खा लेता है और डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, राइट, ये बी की प्रॉपर्टी है। अब ये जो ट्री है ये क्या कर रहा है, ये ए की प्रॉपर्टी से बी की प्रॉपर्टी में एस्केप हो रहा है, यानी इसकी प्रॉपर्टी से निकलकर इसकी प्रॉपर्टी पे जा रहा है। उसी की वजह से इसके किसी हॉर्स ने, काऊ ने वो पत्ते चबाए हैं और उसी की वजह से डेथ हुई है, तो यहाँ पे ए लायबल होगा, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है कि अगर बी का हॉर्स खुद ए की प्रॉपर्टी में गया तो
तो ए लायबल नहीं है, बट अगर प्रॉपर्टी में से एस्केप हुई है डेंजरस चीज़ और फिर लॉस हुआ है तो पर्सन लायबल है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। अब देखिए, अगर वाटर को आप कलेक्ट करो किसी वाटर टैंक वगैरह में अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, तो हम उसे कहेंगे कि आप नेचुरली यूज़ कर रहे हो। बट हमारे रीसेंट केस में एक पूरा रिजर्वॉयर बनाया गया था, ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा था, वो ऑर्डिनरी नहीं था, नेचुरल पर्पज़ के लिए नहीं था। ओके, तो अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई नॉन नेचुरल है, तो आपको देखना होगा कि पर्सन प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे कर रहा है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे ये नॉन नेचुरल यूज़ है। अब दूसरी चीज़ लगाइए कि ये ए पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब नॉर्मली तो जैसे एग्जांपल, ये अगर कोई भी नॉर्मल पेड़ है, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, किसी और भी तरीके का पेड़ है, बट ये एक नॉर्मल पेड़ है, तो ये क्या है, नेचुरल यूज़ है लैंड का। बट अगर ये एक जहरीला पेड़ होता तो ये नॉन नेचुरल यूज़ है लैंड का। ठीक है, इसी तरीके से इस केस में पानी तो सबके घरों में होता है, आप सबकी प्रॉपर्टी में होता है, राइट। बट अगर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में उसको कलेक्ट करके रखते हो, तो फर्स्टली पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंट्रोल में रखे। अगर कंट्रोल में नहीं रख पाया और वो एस्केप हो गया, तो फिर भाई वही पर्सन लायबल होगा जिसकी प्रॉपर्टी में वो डेंजरस चीज़ थी। ठीक है, तो नेचुरल और नॉन नेचुरल यूज़ हम इस प्लांट से, आई होप आपको समझ आया होगा इस एग्जांपल से, सॉरी, और इससे भी आपको समझ आया होगा। तो आपने क्या प्रूफ करना पड़ेगा, थर्ड थिंग आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि पर्सन जो है वो लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी जहरीला पेड़ अपनी ज़मीन पर उगाते हो, तो ऑफकोर्स वो क्या है, वो नॉन नेचुरल यूज़ माना जाएगा। जैसे अब ये ए की प्रॉपर्टी है और साइड में ही ये बी की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे अगर इस पेड़ की टहनियाँ बी की प्रॉपर्टी में पहुँच जाएंगी तो क्या हो जाएगा, और अगर एग्जांपल बी के हॉर्स ने खा लिया तो ये लायबल हो जाएगा, राइट। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, डेंजरस चीज़, फिर एस्केप, फिर नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। अगर आपने किसी पर्सन को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल बनाना है, तो आपको ये तीन चीज़ें देखनी होंगी। क्या उसने अपनी प्रॉपर्टी में कोई डेंजरस चीज़ लेके आया वो पर्सन, दूसरी क्या वो डेंजरस चीज़ उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकली, क्या डैमेजेस हुए किसी को, और फिर देखना होगा क्या वो नॉन नेचुरल यूज़ था लैंड का, तो तभी हम पर्सन को लायबल बना सकते हैं। ओके, तो राइलेंस वर्सेस फ्लैचर के केस में क्या था, प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा पानी था, नॉर्मल नहीं था, डेंजरस था, इतना ज़्यादा पानी डेंजरस हो सकता है, तो यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा पानी भरा। फिर दूसरा असेंशियल एलिमेंट कैसे कंप्लीट हुआ, कि वो एस्केप भी हुआ, एस्केप होके वो कोयल माइंस में भी पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे भी भर गया पानी। फिर नॉन नेचुरल भी यूज़ था लैंड का, डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते तो इतना पानी तो वो नहीं होता, राइट, ऑर्डिनरी पर्पस तो था नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई, इसीलिए यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन इस पॉइंट की, जो हमारा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इसकी हम एक्सेप्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।